श्रीनाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। वशीकरण वशीकरण वशीकरण, आज सिखाएंगे आपको वशीकरण, और ये वही वशीकरण है जो आप लोग खोजते हैं, ठीक है। इस वशीकरण का खासियत ये है कि इसको पुरुष पुरुष पे नहीं चला सकता, महिला महिला पे नहीं चला सकती है, लेकिन अगर आपसी संबंध में कुछ कटुता आ गई हो, है ना, या सामने वाला व्यक्ति आपको देख नहीं पा रहा हो, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, तो ये वनस्पति तंत्र का एक अचूक उपाय है आपके लिए, ठीक है। जब वनस्पति तंत्र बोला तो इससे ये समझना चाहिए कि इसमें जो है वनस्पति मतलब किसी तरीके के औषधि वाला जो वृक्ष है उसका प्रयोग होगा। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो केंद्रित रहेगा सहदई पे। सहदई जो होता है एक वृक्ष होता है, वशीकरण में इसका बहुत प्रयोग होता है। अगर आप थोड़ा पूजा पाठ साधना वाले लोगों से जुड़े रहेंगे तो इसका जड़ आपको बहुत सहजता से प्राप्त हो जाएगा। तो पहला सामग्री जो आपको चाहिए इस वशीकरण के विधान को करने के लिए वो है सहदई का जड़। उसके बाद जो मंत्र है उसको 1000 बार बोलने से वो सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ऐसे आकर्षण वशीकरण का जो मंत्र है वो शास्त्र अनुसार किस पे जाप होना चाहिए, हाथी के दांत पे। लेकिन अब हाथी का दांत कहीं मिलता नहीं है, ठीक है, ऐसा बात बोलने पे भी आप समस्या में पड़ सकते हैं। तो अब उसका जो उपाय है वो होता है स्पेटिक का माला, ठीक है। तो स्पेटिक के माला पे आप जाप करेंगे। आपका वस्त्र जो है वो लाल रंग का होना चाहिए, आपका आसन कम्बल का हो, लाल रंग का हो। पूजा स्थान पर पूजा करें घर में जहाँ है, अगर घर में पूजा स्थान नहीं है तो सुबह से लेकर के शाम तक हम जो है पूरब की तरफ देख करके इस साधना को कर सकते हैं, और जब एक बार सूर्यास्त हो जाएगा तो उत्तर की तरफ देख के ये साधना करेंगे। मतलब आप एक समय चुन लेंगे कि किस समय आप कर रहे हैं साधना को, और जो हज़ार जाप का आपके पास जब भी समय है उसी हिसाब से आप बैठ करके इसका जाप करेंगे, ठीक। पूजा स्थान है तो ठीक है, नहीं है तब भी अपने सामने जो स्थान जहाँ पर आप बैठेंगे उसको थोड़ा साफ कर लेंगे, ठीक है। एक पात्र में जो सहदई का जड़ आपने प्राप्त किया है उसको रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके सामने में घी का एक दीपक जलाएंगे, ठीक है, गुलाब का इत्र उस पर छिड़केंगे और थोड़ा सा जो है गुलाब धूप उसके आसपास जला देंगे, ठीक। ये हो गया पूरा व्यवस्था। नवेद आप अपने इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं, अगर नवेद भी लाल हो तो सर्वोत्तम होता है, ठीक है ना। फिर 1000 बार एक मंत्र मैं बोल रहा हूँ भगवती मातांगी का, उसको जाप करेंगे। क्या है मंत्र, 3 बार मंत्र बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 बार बोलने का अर्थ है कि इस मंत्र को आप इस काल में कलयुग में सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमो भगवती मंगलेश्वरी सर्वशुक्राजिति सर्वधर मातांगी कुमारी के लघु लघु वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती मंगलेश्वरी सर्वशुक्राजिति सर्वधर मातांगी कुमारी ले लघु लघु वश कुरु कुरु स्वाहा। फिर से एक बार मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवती मंगलेश्वरी सर्वशुक्राजिति सर्वधर मातांगी कुमारी के लघु लघु वश कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा कर लेंगे आप तो आपका जो मंत्र है वो अभिमंत्रित हो जाएगा, आपका जो जड़ है वो अभिमंत्रित हो जाएगा, मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद जब प्रयोग करेंगे तो 3 प्रकार से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा गोरोचन ले लेंगे, ठीक है। इसमें जो अभिमंत्रित किया हुआ जड़ है हमारे पास उसको डाल करके उसका थोड़ा भाग ले करके और पानी के साथ इसको पीस लेंगे, ठीक है। उसके बाद पीस करके जो आपका रिंग फिंगर है उससे मिलाते हुए मंत्र बोलेंगे 108 बार, ठीक। तो जो उसका जो घोल तैयार होगा उसको आप तिलक के रूप में
अपने माथे पे लगा करके जिसके सामने जाइएगा वो जो है आपके वश में हो जाएगा, उस पे आपका वशीकरण चलने लगेगा। दूसरा क्या है, कृष्ण पक्ष का जो अष्टमी होता है जिसको हम लोग हर महीने भैरव अष्टमी के रूप में मनाते हैं, या चतुर्दशी जो होता है अमावस्या के एक रात पहले, ठीक है, उस पूरे दिन जो है व्रत रखेंगे, ठीक है, और रात्रि में जो सहदेई हमारा है अभिमंत्रित किया हुआ उसको चूर लेंगे, ठीक है, चूर करके और फिर उसको हाथों से मिलाएंगे, अपना जो आपका दाहिना हाथ है उससे मिलाते रहेंगे और 108 बार मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जिस भी व्यक्ति को आप इस चूर्ण को खिलाएंगे या अगल बगल से गुजरते हुए उनके सर पे डाल देंगे तो ये जो व्यक्ति है ये आपसे वशीभूत हो जाएंगे, ठीक। और तीसरा और आखिरी प्रयोग इसका क्या है, इसको बाएं हाथ में लेंगे और दाहिने हाथ से इसको ढक देंगे जो जड़ आपने अभिमंत्रित करके रखा है, और उसके बाद उसको हृदय के पास ले जाएंगे, ठीक। हृदय के पास ले जाके 108 बार जाप करेंगे जो मंत्र आपको मातांगी का दिया उसको, फिर इसका एक टुकड़ा लेंगे और मुंह में उसको दबाएंगे और पान की तरह चबाएंगे, ठीक है, और जब ऐसे चबाते हुए आप जिससे भी बात करेंगे वो आपसे बाहर नहीं जा पाएगा। तो तीन उपाय बहुत ही सरल, एक मंत्र, एक दिन, और जो वशीकरण आप बहुत दिन से खोज रहे थे वो यही वशीकरण है। आज के लिए इतना ही, भगवती मातांगी आप सभी को सुखी रखे, संपन्न रखे, और जो उचित मन वांछित फल है आपका वो प्रदान करे, ऐसा मेरे रांची वाले भैरव बाबा से भी निवेदन है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंगजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम्।